दोस्तों आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मुझे भेजी है डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज चैनल ने। आप उनके चैनल में जाके भी कहानियां सुन सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुबह सुबह का वक्त था। प्रवीण नींद से जागा ही था कि उसने अपने घर की डोरबेल को बजते सुना। प्रवीण ने लेटे लेटे ही अपनी पत्नी को आवाज दी, दीपिका देखो दरवाजे पे कौन है। उसकी पत्नी बाथरूम में नहा रही थी। वो नहाते नहाते बोली, मैं नहा रही हूं, आप ही देख लो ना कौन है। प्रवीण आंख मलता हुआ घर के मेन डोर पे गया और दरवाजा खोलते हुए बोला, कौन है भाई सुबह सुबह। प्रवीण बोलते बोलते चुप हो गया क्योंकि दरवाजे पे कोई भी नहीं था। प्रवीण ने चारों तरफ नजर घुमाई मगर कोई दिखाई नहीं दिया। कमाल है, अभी तो डोरबेल बजी थी। प्रवीण मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते हुए दरवाजा बंद करने लगा मगर तभी उसने अपने पैरों के पास एक लिफाफा गिरा हुआ देखा। प्रवीण ने लिफाफा उठाया, उसने देखा उसमें उसके पिताजी का नाम लिखा हुआ था। प्रवीण ने दरवाजा बंद किया और हॉल की तरफ चला गया। तभी उसकी पत्नी तौलिए से बाल पोंछते हुए बेडरूम से बाहर निकल के हॉल में आई और बोली, प्रवीण कौन था दरवाजे पे। प्रवीण बोला, अब शायद पोस्टमैन था, दरवाजे के नीचे से लिफाफा डाल के चला गया। पापा जाग जाएं तो ये लिफाफा पापा को दे देना। कहकर उसने वो लिफाफा सोफे के सामने रखी टेबल में रख दिया और फ्रेश होने वॉशरूम चला गया और उसकी पत्नी पूजा करने पूजा घर में चली गई। प्रवीण नहा धोकर फ्रेश होकर आईने के सामने खड़ा बाल बना रहा था कि तभी उसने अपने पिताजी की चीख सुनी। पिताजी की चीख सुनकर प्रवीण भागता हुआ अपने कमरे से बाहर निकलता है और हॉल में घुसते ही देखता है कि उसके पिताजी सीढ़ी के पास गिरे पड़े थे और उनके सिर से बहुत खून बह रहा था। उनके दोनों हाथ और पैर भी टूट चुके थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ट्रक के नीचे आ गए हों। प्रवीण को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ कि सीढ़ी से गिरने से पापा को इतनी बुरी चोटें कैसे लग गई। प्रवीण की मां और पत्नी का भी रो रो कर बुरा हाल था। प्रवीण को समझ नहीं आ रहा था कि अपने पापा को उठाए कैसे क्योंकि उनके शरीर की एक एक हड्डी मानो टूट चुकी थी। वो जैसे ही अपने पिताजी को उठाने की कोशिश करता उसके पिताजी जोर जोर से चीखने लगते। प्रवीण रोते हुए बोला, पापा प्लीज थोड़ी हिम्मत रखिए, मैं आपको उठाकर हॉस्पिटल लेके जा रहा हूं। प्रवीण ने अपनी माँ और पत्नी की मदद से अपने पिता को उठाकर अपनी कार में रखा। उसके बाद वो उन्हें एक नज़दीकी हॉस्पिटल लेके गए। पूरे रास्ते भर उसके पिताजी मानो कुछ कहना चाह रहे थे मगर सिर की गहरी चोट की वजह से उनके चेहरे में लकवा मार गया था, वो कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। प्रवीण की माँ कार की पिछली सीट में बैठी उसके पिताजी को संभाले हुए थी और दीपिका आगे वाली सीट में बैठी परेशान सी प्रवीण से गाड़ी तेज चलाने को बोल रही थी। हॉस्पिटल पहुंचते ही दो वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेकर कार के पास आए और बड़ी सावधानी से प्रवीण के पिताजी को स्ट्रेचर में रखा और इमरजेंसी वार्ड में लेकर गए। डॉक्टर ने उसके पिताजी को देखा और कहा कि सिर की चोट बहुत गहरी है, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसलिए उन्हें तुरंत ओटी में शिफ्ट कर दिया गया। ओटी के अंदर घुसते घुसते भी प्रवीण के पिताजी प्रवीण से कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे मगर ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे बंद हो गए और दरवाजे पे रेड लाइट जल गई। कुछ देर बाद रेड लाइट बुझी और ओटी का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर निकला और प्रवीण तुरंत उनकी तरफ लपका और पूछा, डॉक्टर साहब पिताजी ठीक है ना। डॉक्टर चश्मा और मास्क उतारते हुए बोला, माफ कीजिए हम उन्हें बचा नहीं सके, उनके सिर में गहरी चोट थी और बहुत खून बह चुका था, हमने पूरी कोशिश की मगर हम उन्हें बचा नहीं सके। प्रवीण के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसकी जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। प्रवीण के पिता की खबर सुनकर उसकी माँ बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ी, उसकी पत्नी दीपिका उन्हें संभाले हुए थी। अगले दिन प्रवीण के पिता का अंतिम संस्कार किया गया और फिर कुछ दिनों के बाद एक सुबह फिर से उस घर की डोरबेल बजी। प्रवीण ने दरवाजा खोलकर बाहर देखा मगर आज भी घर के बाहर कोई भी नहीं था और तभी घर के अंदर से
उसकी माँ की बहुत जोर से चीखने की आवाज आई। प्रवीण भागता हुआ अपनी माँ के पास पहुंचा। उसकी माँ बहुत घबराई हुई थी, वो जोर जोर से रो रही थी। प्रवीण ने पूछा, क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो? उसकी माँ बोली, बेटा बेटा मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी बहुत भारी भरकम चीज के नीचे आ गई हूँ। मुझे बहुत जोर का दर्द महसूस हुआ, मुझे ऐसा लग रहा था कोई मुझे कुचल रहा है। तभी दूसरे कमरे से भागती हुई प्रवीण की पत्नी आई। उसके हाथ में वैसा ही एक लिफाफा था जैसा पहले आया था। प्रवीण ने देखा लिफाफा गंदा और मुड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे किसी ने अपने गंदे पैर उसके ऊपर रख दिए हों। दीपिका बोली, ये लिफाफा बाहर दरवाजे पे पड़ा था, शायद तुम इसके ऊपर पैर रख के खड़े हो गए थे। इतना बोल के दीपिका उसकी माँ को संभालते हुए उनको उनके बिस्तर के पास ले गई और उन्हें लेटा दिया। आप लेट जाइए माँ, आपने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा, दीपिका बोली। प्रवीण ने लिफाफे को देखा, उसमें उसकी माँ का नाम लिखा हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके पिताजी के नाम आए हुए लिफाफे में लिखा हुआ था। प्रवीण को कुछ समझ नहीं आया। उसने वो लिफाफा माँ के सिरहाने पे रखा और तैयार होकर अपने ऑफिस चला गया। दिन में करीब 1 बजे प्रवीण को उसकी पत्नी का कॉल आया। हेलो प्रवीण, पता नहीं माँ को क्या हो गया, वो कुछ भी बोल नहीं रही, बस छत को घूरे जा रही है। प्लीज तुम घर आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्रवीण घबराते हुए बोलता है, क्या तुम एक काम करो, तुरंत माँ को हॉस्पिटल लेके जाओ, मैं भी वहीं पहुंचता हूँ, जल्दी करो। दीपिका ने वैसा ही किया, वो उन्हें लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुंच गई। जब प्रवीण हॉस्पिटल पहुंचा तो प्रवीण की पत्नी दीपिका उससे लिपट कर जोर जोर से रोने लगी। प्रवीण डरता हुआ बोला, दीपिका माँ ठीक है ना? दीपिका कुछ नहीं बोली, बस रोती रही। तभी डॉक्टर आया और प्रवीण से बोला, देखिए तुम्हारी माँ यहाँ पहुँचने से पहले ही मर चुकी थी, स्ट्रेस की वजह से उन्हें सदमा लगा है और हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। प्रवीण पे जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, पहले उसके पिताजी अब उसकी माँ। वो अपनी माँ की लाश से लिपट कर बुरी तरह रोने लगा। उसने अपनी माँ के चेहरे से कफन हटा कर देखा, उसकी माँ की आंखें डर से फटी हुई थी। मरने के बाद भी उनके चेहरे में डर के भाव साफ नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मरने से पहले उन्होंने कोई बहुत भयानक चीज देखी हो। अगले दिन प्रवीण ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार भी करा दिया। और फिर कुछ दिन बाद एक दिन वो अपनी माँ के कमरे में बैठकर रो रहा था, तब उसे उस लिफाफे के बारे में याद आता है जो उसने अपने माँ के सिरहाने के पास रख दिया था। प्रवीण झट से उठा, उसने बेड के बगल में रखी टेबल के दराज में चेक किया, मगर वो लिफाफा नहीं मिला। उसने सब जगह ढूंढा मगर वो नहीं मिला। फिर प्रवीण ने अपनी माँ के बेड के सिरहाने के नीचे चेक किया, तकिए के नीचे 2 लिफाफे थे, एक में उसके पिताजी का नाम लिखा था, दूजे में उसकी माँ का। प्रवीण ने उन लिफाफों को खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन लिफाफों में उसकी माँ और उसके पिताजी की तस्वीर थी, जिनके ऊपर लाल रंग से क्रॉस का निशान बना हुआ था, जैसे कोई उन्हें मारने से पहले लिफाफा भेजकर वार्निंग दे रहा था कि अब तुम मरने वाले हो। अब प्रवीण को डर लगने लगा, उसे एक ही रास्ता सूझा। उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया। पुलिस को कॉल मिलाते वक्त उसके हाथों से वो दोनों तस्वीरें सरक कर नीचे फ्लोर पे गिर जाती हैं। उन दोनों तस्वीर के पीछे कुछ लिखा हुआ था। प्रवीण झुककर उन तस्वीरों को उठाकर गौर से पढ़ता है और जो पढ़ता है वो पढ़कर उसकी आंखें फटने लगती हैं। उसके पिताजी की फोटो के पीछे लिखा हुआ था, पिताजी प्लीज मुझे मत मारिए, मैं आपकी बहू हूं, अगर बच्चा नहीं हो रहा तो इसमें मेरी क्या गलती है। प्रवीण अपनी माँ की तस्वीर पलट के देखता है, उसमें लिखा था, माँ जी कमी मेरे में नहीं आपके बेटे में है, मैं बांझ नहीं हूं माँ जी, आप रोज रोज मुझे प्रताड़ित करना छोड़ दीजिए। प्रवीण उन तस्वीरों में लिखी बातों को पढ़ ही रहा था कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। प्रवीण अपनी माँ के कमरे से निकलकर हॉल में से चलता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने देखा उसकी पत्नी दीपिका किचन में रोटियां बेल रही थी। प्रवीण दरवाजे के पास पहुंचा, वो दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी दरवाजे के नीचे से एक लिफाफा सरकता हुआ
प्रवीण के पैरों के पास आकर रुक गया। प्रवीण ने कांपते हुए हाथों से उस लिफाफे को उठाया। उस लिफाफे में उसकी पत्नी दीपिका का नाम लिखा हुआ था। प्रवीण समझ गया था कि उसके पिताजी और उसकी माँ की तरह अब उसकी पत्नी पे भी मौत मंडरा रही है। उसने उस लिफाफे को खोला नहीं, उसने तय किया कि उन तीनों लिफाफों को जलाकर भस्म कर देगा। क्या पता उसकी पत्नी की मौत भी टल जाए। वो घर से बाहर निकलकर गार्डन में गया और उन लिफाफों में आग लगा दी। जैसे ही उन लिफाफों ने आग पकड़ी, ठीक उसी वक्त घर के अंदर किचन में एक जोरदार धमाका हुआ। प्रवीण ने पलट के घर की तरफ देखा। घर के किचन की खिड़की में से काला धुआं और आग की लपटें बाहर निकल रही थी। प्रवीण भागता हुआ घर के अंदर गया। उसने फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग बुझाई और काफी मशक्कत के बाद आग बुझ गई। लेकिन तब तक उसकी पत्नी दीपिका आग में बुरी तरह जलकर कोयले की तरह काली पड़ चुकी थी। मगर वो मरी नहीं थी, वो दर्द में जोर जोर से चीख रही थी। आनन फानन में प्रवीण ने अपनी पत्नी को कार में रखा और तुरंत हॉस्पिटल के लिए रवाना हुआ। कार की पिछली सीट में लेटी उसकी पत्नी बहुत जोर जोर से चीख रही थी और आधे रास्ते में उसकी चीखें बंद हो गई। प्रवीण ने गाड़ी चलाते हुए उसे बहुत आवाज़ दी, मगर उसकी पत्नी मर चुकी थी। प्रवीण फिर भी गाड़ी को हॉस्पिटल की तरफ दौड़ाता रहा। उसे उम्मीद थी कि हॉस्पिटल पहुंचकर उसकी पत्नी शायद बच जाए। तभी पीछे से आवाज आई, क्या गलती थी मेरी, क्यों मारा मुझे? प्रवीण ने चौंकते हुए बैक व्यू मिरर में पीछे देखा। पिछली सीट में आग में झुलसी हुई उसकी पत्नी दीपिका बैठी हुई थी। उसका पूरा शरीर काले कोयले के समान दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें जलकर राख हो चुकी थी। उसके एक हाथ में एक लिफाफा था। दीपिका ने वो लिफाफा प्रवीण की तरफ बढ़ाया। प्रवीण ने जैसे ही उस लिफाफे को देखा, उसी वक्त उसकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और उसकी गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई और कई पलटियां खाके वो जमीन में आ गिरी। पलटी हुई गाड़ी में प्रवीण सीट बेल्ट से बंधा हुआ उल्टा लटका हुआ था। उसके सिर और चेहरे से बुरी तरह खून बह रहा था। अभी भी प्रवीण के हाथों में वो लिफाफा था। प्रवीण ने लिफाफा खोला और मुस्कुराया और उसी वक्त उस गाड़ी में एक जोर का धमाका हुआ और वो गाड़ी धूं धूं करके जलने लगी। उस लिफाफे में प्रवीण का नाम लिखा था और प्रवीण जानता था कि बाकियों की तरह उसे भी अपने किए की सजा मिल गई, इसलिए उसने अपनी मौत हंसते हंसते कबूल कर ली। क्या बात थी जो प्रवीण अपनी मौत को देखकर डरा नहीं बल्कि मुस्कुराने लगा। क्यों उसने अपनी मौत को हंसते हंसते गले लगा लिया? आग से जलकर मर चुकी उसकी पत्नी दीपिका वापस खड़ी होकर क्यों बोलती है, क्या गलती थी मेरी, क्यों मारा मुझे? चलिए बताता हूँ। दरअसल दीपिका प्रवीण की दूसरी पत्नी थी। प्रवीण की पहले एक शादी हो चुकी थी। उसकी पहली पत्नी किचन में आग लगने की वजह से जलकर मर गई थी, इसलिए प्रवीण ने दूसरी शादी की। प्रवीण की पहली पत्नी सरोजा एक सीधी सादी औरत थी। पढ़ी लिखी कम थी मगर घर के काम काज में एकदम निपुण। दिखने में ज़्यादा सुंदर नहीं थी और इसी वजह से प्रवीण उससे दूर दूर ही रहता था। प्रवीण को अपनी पत्नी की वजह से शर्मिंदगी महसूस होती थी। प्रवीण ने सरोजा से सिर्फ इसलिए शादी की क्योंकि सरोजा के नाम बहुत सारा पैसा और प्रॉपर्टी थी। सरोजा के पिता गांव के एक बहुत बड़े जमींदार थे। सरोजा उनकी एकलौती संतान थी, इसलिए सरोजा के नाम पर एकड़ों जमीन और लाखों रुपये थे। प्रवीण के माता पिता को एक पोता चाहिए था जो उनके कुल को आगे लेके जाता, मगर सरोजा माँ नहीं बन सकी और इसी वजह से सरोजा को उस घर में मारा पीटा जाता था। सरोजा चुपचाप उस प्रताड़ना को सहती जाती मगर कभी पलट कर जवाब नहीं देती। प्रवीण की माँ सरोजा को गंदी गंदी गालियाँ देती थी, उसे बांझ कहकर बुलाती थी, मगर सरोजा ने हमेशा ये बात छुपाई कि बांझ वो नहीं, उनका बेटा प्रवीण था। कमी प्रवीण में थी। शादी के एक साल बाद ही सरोजा के पिता का दिल का दौरा पड़ने की वजह से देहांत हो गया और उनके गुजरने के बाद सरोजा और ज़्यादा प्रताड़ित होने लगी। प्रवीण हमेशा नशे में धुत होकर घर आता और सरोजा के साथ मारपीट किया करता था। कभी कभी वो अपनी गर्लफ्रेंड दीपिका को भी घर लेकर आता था। और फिर एक दिन प्रवीण और उसके माता पिता ने दीपिका के साथ मिलकर सरोजा को रास्ते से हटाने की साजिश रची और उसे किचन में जलाकर मार डाला।
और सरोजा के मरने के बाद प्रवीण ने अपनी प्रेमिका दीपिका से शादी कर ली और उसके बाद की कहानी आप लोग जानते ही हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कृपया करके इसको लाइक ज़रूर करें और अपना प्यार, गुस्सा, नफरत जो कुछ भी व्यक्त करना चाहें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मेरे चैनल में कई और कहानियाँ हैं, आप उन्हें भी ज़रूर सुनिए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी कहानियाँ ज़रूर पसंद आएंगी। मुझे सुनने के लिए आपका धन्यवाद।